ऑन होने का इसका टेंशन रहता है बस, बाकी सब सेट है। अभी हम लोग चलते पहाड़ वांगा की तरफ। सर यहाँ पे आने का यही रीज़न था कि थोड़ा नेचर के करीब आए। यहाँ पे अभी रास्ता भी पूरा स्मूथ रहेगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो अच्छा लगता है, मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए सही है सब, माइंड फ्रेश थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये सब एरिया। सुभाष जी हम लोग थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे, मतलब क्या क्या देखने लायक चीज़ है, मंगल बताइए यहाँ पे क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, मतलब घूमने लायक इलाका है आपका यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा दरिया, यही रास्ता है पहाड़ बना। अच्छा ठीक है, ये वाला गली जो जाती है वो पहाड़ बांगा की तरफ, ये बाना डूंगरी चौक है। तो यहाँ पे जो जाती है गली वो पहाड़ बांगा की तरफ जाती है, कितना किलोमीटर अंकल? ये बाना डूंगरी चौक है, बाना डूंगरी चौक यहाँ से आपका करीबन 5 किलोमीटर। अच्छा अंकल आपको क्या क्या बेचते हैं थोड़ा बताइए अपना, ये खाने का? डोसा है यहाँ का फेवरेट है, गुलगुला बहुत फेवरेट है, फेवरेट है। कैसा है दिखाइए थोड़ा, ये तो सामने ये वाला इसको बना के देना पड़ता है। अच्छा हरा मिर्च, अच्छा धनिया पत्ता, पपिया जो है सब, और ये वाला आलू चॉप, ये हो गया आलू चॉप, आलू चॉप ये सिंगा। इसका कितना प्राइस है, दाम कितना है? 5 रुपये एक पीस का। वाह, चाट बना के देंगे तो 20 रुपये। अच्छा है, अच्छा 10 रुपये में जो हम टेस्ट देगा ना, अच्छा 20-40 रुपये का टेस्ट। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है जियो डोसा। अच्छा, रुपीज चलिए 10, 10 रुपये में अंकल का डोसा मिलता है, जियो डोसा। हाँ बहुत सस्ता, तुरंत खत्म हो गया टेस्ट का चलते, तभी बादाम दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ के जो लोकल्स मटर चीनी दिया हुआ है, काजू दिया हुआ है। वाह वाह वाह, सबसे टेस्ट का बहुत अच्छा टेस्ट है। वाह बढ़िया, टेस्ट में कमी नहीं, टेस्ट में कमी नहीं, ओनली 10 रुपये, 10 रुपये में बढ़िया डोसा यहाँ मिलता है। तो अंकल एक डोसा भी 10 रुपये का डोसा है, दो जगह बना दिए अंकल, तो आप लोग डोसा भी खा लेते अंकल, इतना बोले तो खा दो डोसा खा ही लेते। साइज छोटा है पर टेस्ट में कमी नहीं, अंकल का ये है मतलब टैगलाइन ये है, साइज छोटा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो, साइज छोटा है पर कमी नहीं, कमी नहीं। तो भाई हम लोग देखते हैं डोसा क्या है, ये ठंडा हो जाएगा। चाय कैसा लगा? चाय बहुत अच्छा है, बढ़िया, बस थोड़ा अंकल चीनी ज्यादा दे दिए, सच बात बोलना पड़ेगा। देखिए मोटा चटनी, अच्छा चटनी का थिकनेस भी बहुत, आप देख सकते हैं बहुत मतलब ठीक है। तो ये हम लोग मिल चुका है, ये डोसा ये रेडी हो चुका है, सो रानी भी अभी खाएगा, हम भी खाएंगे अभी डोसा। तो अभी देखते हैं कैसा है, अंकल तो बोले बहुत बढ़िया है, तो हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। जैसा कि तोड़ने में पता चल रहा है कि मतलब ये थोड़ा क्रिस्पी है, क्रिस्पी तो है, हाँ पूरा कुरकुरा जैसे बोलते हैं वो पूरा है। तो चटनी के साथ दुआ के खाया जाए, बढ़िया। इसका वही है कि साइज में छोटा है पर टेस्ट बढ़िया है इसका, क्या अंकल? अंकल भी हाँ बोलते। तो सो भाई हम लोग आए हुए सुभाष डोसा में, तो यहाँ के जो है यहाँ पे बाकी लोग उनसे भी जानते हैं कैसा यहाँ का खाना। तो अंकल बताइए कैसा है यहाँ पे खाना, कैसा है? बहुत टेस्टफुल है, टेस्टफुल है अंकल, जैसे बोल रहे बहुत टेस्टफुल है यहाँ खाना। पहले खाते थे अंकल, पहले खाते थे यहाँ का? सब दिन यही खाता, मतलब सब दिन यही खाते अंकल? अच्छा सब दिन यही खाते, बस बस। तो ये मतलब अंकल के रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, रोज खाते हैं। अच्छा कैसा लगता है अंकल खाना? बहुत फुल टेस्ट, फुल टेस्ट। आप कहाँ रहते हैं वैसे? आसपास, आसपास अंकल आसपास है तो मतलब इसका सामने पड़ता है, तो ये वाले यहाँ पे आ जाते हैं क्या?
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. पानी की भी आवाज़ आ रही है लहर की, नीचे लहर चल रही है पानी की। हेलो गाइस, तो हम लोग आए हुए पहाड़ बांगा यही इलाका है कि यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है। यहाँ पे मतलब नेचर से जुड़ा हुआ है पूरा, आसपास जितना भी आप देखिएगा साइड में सारा तरफ ग्रीनरी है। चिड़िया की आवाज़ आती है हल्का हल्का, आप जैसे सुन सकते हैं हल्का हल्का चिड़िया की आवाज़ है। और यहाँ पे एक देखने लायक ये है कि एक ये वाली एक नदी है, छोटी सी नदी है। हाँ नदी है सर, एक नदी है जिसकी लहर की आवाज़ आ रही होगी आपको माइक पे। और यहाँ पे यही खासियत है कि यहाँ पूरा सुकून है। शहर में क्या है कि बहुत आवाज़ रहती है और उतनी मतलब हल्ला रहती है, मतलब शोर शराबा ज़्यादा रहता है शहर में, मतलब बाइक की आवाज़ इसकी आवाज़। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर वही है कि बहुत शांति है। पहाड़ में मतलब ये पानी की आवाज़ आ रही है, छोटी छोटी झील टाइप की है जो नदी टाइप की, और बर्ड्स की और नेचर की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ी और देख। तो हम लोग आए, हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ, और घर की तरफ का रास्ता इस साइड से होती है घर की तरफ की रास्ता, जो थोड़ी पतली सी है, बस सीधा जाके ये चौड़ी हो जाएगी रास्ता। अभी हम लोग सीधा जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ता खुलते जाएगी और ये अपना चौड़ी होती जाएगी। आप साइड का व्यू इसका देख सकते हैं, बहुत ही मतलब खूबसूरत व्यू है। ये कैमरे में आ रही है, हाँ कैमरे में आ रही है। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, देखिए पीछे की तरफ। हाँ ये देखिए, ये पीछे के व्यू है। तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे सिंघाड़ा खाने, यहाँ पे और भी रखा हुआ है सिंघाड़ा है आलू चॉप है। हेलो, हम लोग आए हुए ये खाने के लिए, ये है सिंगाड़ा और इसमें कुछ चाट बना हुआ है। सब टेस्ट है, देखते हैं कैसा है टेस्ट। सिंगाड़ा खाने के लिए और सिंगाड़ा जैसे खा लिए, अभी हम लोग घर तो मिलते हैं आपको घर की तरफ। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम घर पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा ब्लॉग बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है तो आप लोग थोड़ा समझ ही सकते हैं इसमें थोड़ा गलती होगा और कहीं ना कहीं मतलब बोलने में दिक्कत हुआ होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय। जी भर के जीले बल लगता है आजकल, दौर अपना आएगा।